हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि। तो फाइनली इस गाड़ी में कलर वगैरह होने लगा है, क्योंकि इसका जो डेंट टैंक का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। पुट्टी उट्टी लगाई है इसमें और बाकी पीछे जो डाला है तो उसमें कलर वगैरह हो रहा है। तो अभी दिखाते हैं आपको, और इसमें भी होगा लेकिन अभी फ़िलहाल जो है तो डाला कंप्लीट हो रहा है। तो डाला में पूरा कलर हो चुका है, डिजाइन वगैरह में पूरा कलर हो गया है और अंदर भी कलर हो गया है इसमें। तो कलर होने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है गाड़ी, और अंदर भी दूसरा कलर करवाया है तो अंदर होगा है। मिस्त्री साहब यहाँ पर कलर कर रहे हैं। आप लोगों के भी कमेंट आए थे कि भाई उस गाड़ी का वीडियो डालिए, अभी तक कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो कलर वगैरह हो रहा है इसमें, तो कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी गाड़ी। तो फिर उसके बाद इसमें पूरा रेडियम करवाएंगे, डेकोरेशन का काम। तो रेडियम का भी एक मैसेज आ रहा था भाई का कि भाई रेडियम का वीडियो बनाइए, तो इसमें फुल रेडियम होगा। तो भाई थोड़ा और रुक जाएं तो इसमें रेडियम का भी वीडियो आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो इसमें तो दोनों साइड कलर हो गया है। इसकी जो बॉडी है उसमें दूसरा कलर होगा, यानी कि आगे वाले शो में। इसमें अभी कलर हो गया है फुल, और इसमें डिजाइन वगैरह भी निकलेगी। इसमें अभी पुट्टी वगैरह लगी हुई है तो इसकी घिसाई वगैरह होगी, उसके बाद इसमें कलर होगा। और डेंटिंग का काम कंप्लीट है, बस कलर ही होना बाकी है। तो कुछ ही दिनों में गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको डेकोरेशन का भी वीडियो मिल जाएगा। ये रखी इसकी ग्रिल, ये दूसरी गाड़ी की है, इसमें पुरानी ही डालेंगे क्योंकि ठेका में गाड़ी थी, ठेका में दी थी। तो उन्होंने मतलब कि इस वाली ग्रिल को लगाना है, यानी कि इसको पेंट करके लगा देंगे। अगर ऐसे ही ठीक रहेगी, अगर अच्छी लगेगी तो ऐसे ही लगा देंगे, नहीं तो पेंट करके लगा देंगे, वाइट पेंट करके, तो फिर अच्छी लगने लगेगी। तो देखते हैं, जैसी ठीक लगेगी उस हिसाब से करेंगे। और अगर आप इसकी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी बुरी तरीके से गाड़ी डैमेज हुई थी, यानी कि पूरी गाड़ी डैमेज हुई थी, और काफ़ी दिन भी लग गया है इसमें बनने में। तो पूरी कंप्लीट होगी गाड़ी, और एक अच्छी तरीके से बनाई गई है, और कलर वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं इसमें। अभी सीट वगैरह नहीं कसी क्योंकि अंदर भी कलर होना है, और इस पर इसलिए डाल दिया क्योंकि इस पर अभी पुट्टी वगैरह लगी हुई है तो इस पर कलर चला जाता है, इसलिए इस पर कपड़ा डाल दिया है। तो भाई थोड़े दिन में गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको फुल डेकोरेशन का वीडियो मिल जाएगा। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भाई डेकोरेशन का वीडियो बनाइए रेडियम का, इस पर फुल होगी तो वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। और गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 17 मॉडल गाड़ी है, बस एक्सीडेंट हो गया था तो टाइम लग गया बनने में, क्योंकि इसके इंश्योरेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए थोड़ा काम रुक गया था। और एक कलर वगैरह है जो कर रहे हैं, तो जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा इसका। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे और वीडियो भी बना देंगे उस पर। 17 मॉडल गाड़ी है, और इसमें जो इंजन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो भी कंप्लीट होगा। सेंसर लगो, ये सब सेंसर ही, सेंसर की पूरी गाड़ी ही है। कौन में सादा है, इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, सादा ना दिमाग ना लगाइए कि सादा है। इलेक्ट्रॉनिक फुल एसी नहीं, वो नहीं है, जो सादा रहता है उनमें एसी नहीं रहता। एसी है ना इनकी में? हाँ भी, अरे हम तक जब पहले एसी हम रखो तुम हो, हमने तो जब खोली थी मुल्ला जी ने पहली दे, हमने एसीएम जो है गोलू को पकड़ा था, तो हमका भैया ये अपनी धर्मशाला ले जाओ, एसीएम में ऐसा नहीं आना चाहिए। 12-13 हजार को आएगो, अगर मान लो बाई विदा चेंज होगा तो वो गाड़ी नहीं होता स्टार्ट। हम इतना संभाल के रखे तो हमने कहा भैया ये ना हो भाई, सामने वाले को ये ना लगे, मान लो भाई सामने वाले को ये ना लगे कि यार इनने बदल तो नहीं लाओ, इनने कछु कट तो नहीं दो, फलाना ठिकाना, तो अपन जो है ऐसे आइटम जो है पकड़ा दे, ये लोग ले जा संभाल के रखे।